यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमीनी तौर पर दमखम दिखा रही हैं। वहीं आज भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी नरेंद्र पाल मन्नू के समर्थन में पुखराया बहाला ही बाजार में हेलीकॉप्टर से सपा के राजा राम पाल साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसानों, नौजवानों, युवाओं, महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। राजा राम पाल ने केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसानों के नलकूपों की बिजली फ्री होगी, गैस, डीजल, पेट्रोल से जीएसटी को हटाकर सस्ता किया जाएगा, अन्ना जानवरों से किसानों को निजात दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बाबा अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, सपा नेता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा की आंधी चल रही है, दो चरणों के चुनाव में सपा 100 सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को योगी बाबा अपने मठ में चले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में किसानों, नौजवानों, युवाओं, महिलाओं की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। उन्होंने भोगनीपुर से सपा प्रत्याशी मनु यादव को भारी बहुमत से चुनाव जिताने की कार्यकर्ताओं व जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कानपुर देहात की चारों सीटें सपा जीत रही है। सपा नेताओं की इस खास खबर को देखिए एनएल टाइम न्यूज पर जंग बहादुर सिंह के साथ। जो ये कार्यक्रम था जिसमें आदरणीय नरेंद्र उत्तम साहब, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय राजा राम पाल जी आए थे, विशाल जन समुदाय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मैं इस कार्यक्रम में सबको बहुत बहुत आने वालों को मेन उद्देश्य क्या था इस मीटिंग का, जो उद्देश्य क्या था इस मीटिंग का, उद्देश्य समाजवादी पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ रही है उसको बताना था। और बीजेपी की जो कुरीतियाँ हैं जो उसने 5 साल एक डंडे के बल पर सरकार चलाई है उसको नंगा करने का काम करना। इसमें भी अभी केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भाषण दिया 56% जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग के लिए बोला, उसमें क्या है? समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है और सबके लिए काम करती है, सबको किसी न किसी रूप में लाभान्वित करने का प्रयास करती है। और समाजवादी पार्टी समाजवाद का नारा लेकर चल रही है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। प्रधानमंत्री आए थे, मैंने वो मीटिंग अटेंड किया था, वहाँ से अपेक्षा यहाँ पर भीड़ ज्यादा, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के नेताओं को कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी के नेताओं ने गाँव में किसानों पर डंडा चलाने का काम किया है, रात भर किसान खेतों में जानवरों को रखाने का काम कर रहा है, किसानों के हितों के कोई कार्यक्रम उसने लागू नहीं किए, यहाँ तक कि खाद और बीज और पानी के रेट बढ़ाने का काम किया, बिजली के रेट 3 गुना ज्यादा किसानों से वसूलने का काम उन 5 वर्षों में किया है। अखिलेश जी ने घोषणा की है कि किसानों की बिजली माफ करने का काम करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे, सिंचाई माफ करेंगे।